अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार मछली की रेसिपी शेयर करूँगी। मछली तो लास्ट डे भी मैंने काफ़ी बनाई, रिकॉर्ड की, लेकिन बस कुछ सिलसिला इस तरह रहा कि मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाई। मछली की रेसिपी मैं कुछ मेवन कम्युनिटी और लाहौरी मछली का फ्यूजन बना रही हूँ। तो आप देखिए, मेरे पास 1 टीस्पून है अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के है मेरे पास धनिया, 1 टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा, 2 टेबलस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन। मसालों में ये नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है मेरे पास कुटी लाल मिर्च, ये मैंने कश्मीरी मिर्च जस्ट फॉर कलर यूज़ की है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। मेवन फ्यूजन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेवन कम्युनिटी जो है वो हरा मसाला कि मछली बहुत शौक से बनाती भी और खाती भी और बहुत टेस्टी होती है। तो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया चटनी पीस के, तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें हैं और इसी तरह 10-12 लहसुन के जवे हैं और 2 लींबू हैं जो कि मैं मछली में निचोड़ूंगी। मछली ये मेरे पास 1 किलो है, ये हड्डियाँ खाल सब निकालने के बाद ये 1 किलो मछली मेरे पास है। अब मैं हरा धनिया हरी मिर्च और लहसुन की चटनी पीसती हूँ और सिरका मैं डालूंगी 2-3 टेबलस्पून इस चटनी को पीसने के लिए, ठीक है। और इसको भी मोटा मोटा दरदरा सा पीसती हूँ, फिर मैं सारे मसाले आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। कर दीजिए, अब फिश की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये 2 नींबू हैं, इनका सबसे पहले रस निचोड़ेंगे। अच्छा, नींबू यहाँ पे टेस्ट से ज़्यादा मछली को स्टिफ करने का काम देगा। खटास जितनी भी होती है वो मछली को स्टिफ करती है। और चिकन में जो है दूसरी कहानी है, चिकन में ये चिकन को टेंडराइज करेगी, लेकिन मछली में इसकी स्टिफनेस इसको बिखरने से बचाने के लिए जो है वो खटास इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2 बड़े नींबू थे मेरे पास, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून नींबू का जूस है ये, हमने निचोड़ दिया इसमें, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे तमाम खुश्क मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, साथ में ये अजवाइन धनिया और ज़ीरा जो वैसे मैंने मोटा मोटा कूटा है। उसके साथ ये डालेंगे हम हरी चटनी जो कि हमने लहसुन हरा धनिया और 2 चम्मच हरी मिर्चें और 2 चम्मच क्या कहते हैं सिरके के साथ पीसी है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देते हैं इसके अंदर, अब मछली में मसाला लग जाए, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। काश के आप लोग सूंघ सकते हैं तो आपको पता चलता कि इसमें से कितनी उम्दा किस्म की खुशबू उठ रही है। इसको मैरिनेट करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसमें बेसन मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे और फिर इसका इसकी फ्राइंग करेंगे। मछली को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो नहीं डालें। थोड़ा सा बाजारी रंग देने के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है उसको, मैदा कॉर्नफ्लावर और जो हमारा बेसन है उसमें मिक्स कर दिया है ताकि डायरेक्ट किसी पीस पे ना पड़े और एकदम से मछली का कलर जो है। अच्छा, ये सारा मैं उठा के मछली में डाल रही हूँ। पानी हम ऐड नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 अंडा डालेंगे, ऐसे मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मछली में नींबू का अपना पानी, थोड़ा सा सिरके का पानी वो इतना होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरफ मैंने सरसों का तेल पकने को चढ़ा दिया है, मछली बेस्ट सरसों के तेल में होती है। आप लोग अगर कभी लाहौर साइड पे गए हो, पंजाब साइड पे कसूर की मछली खाई हो, तो वो लोग खालिस सरसों के तेल में तल रहे होते हैं। गो के कसूर की वजह शोहरत को ये बहुत अच्छी नहीं है मीडिया के हवाले से, लेकिन वहाँ की मछली और अंदर से इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन सारी मछली में देखें ज़रा सा भी ना पानी की ज़रूरत है, इतना तरीके से हमने सब चीज़ें यूज़ की कि ना हमें पानी की ज़रूरत है ना अंडे की ज़रूरत है। अब डायरेक्ट हम पीसेस डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। देखिए, सब मसाला अच्छी तरह मछली पे चिपक चुका है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक तेल हो जाए हमारा, मैं आपको फ्राई करके इसको दिखाती हूँ।
ये देखे नाजरीन तेल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बहुत ज़बरदस्त तेल, ये देखें। अच्छा, मछली के लिए एक बार नोट रखिएगा, ना तेज़ बहुत तेज़ तेल होना चाहिए और ना बिल्कुल धीमा होना चाहिए। अब हम इसमें और पाँच टुकड़े डालते हैं, आपको करके दिखाते हैं। सब मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ है, किसी पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तेल में ये डूबी हुई है आराम से, ये 5 to 6 मिनट फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसे निकाल के आपको दिखा। ये देखिए मछली को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर चेक करें, कहीं से कोई कोटिंग नहीं उतरी है, सब इस पर चिपकी हुई है। ठीक है, अब किचन पेपर लगा के और इस मछली को निकाल लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन किस्म की फ्राइड फिश तैयार है। अब मैं आपको इसकी चटनी बनाने की तरकीब बताती हूँ।